इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, एक शिक्षित युवक ने काली माँ के मंदिर में अपनी गर्दन किसी धारदार हथियार से काट ली, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी गर्दन से खून की धार बहनी शुरू हो गई। मंदिर में मौजूद अन्य भक्त इसको देख के घबरा गए और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने एम्बुलेंस से युवक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गर्दन में कई टांके लगाए और उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल युवक की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। कोतवाली देहात के चंद बेटा निवासी संदीप वर्मा एमए फाइनल ईयर के छात्र है। आज सुबह करीब 10 बजे वे काली माँ के मंदिर में पहुंचे और किसी धारदार हथियार से अपनी गर्दन पर वार कर लिया, जिससे उनकी गर्दन पर गहरा घाव हो गया और गर्दन से खून की तेज धार बहने लगी, जिसके बाद वे बेहोश होकर गिर पड़े। यह सब देखकर मंदिर में आए अन्य भक्त डर गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए युवक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी कटी गर्दन में कई टांके लगाकर उसको सिला, लेकिन हालत गंभीर देखकर उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। घायल युवक संदीप वर्मा ने बताया कि वह काली माँ का उपासक है और उन्हें खुश करने के लिए अपनी गर्दन काटी है। फिलहाल पुलिस ने युवक के घर वालों को सूचित कर दिया है और जांच में जुट गई है। काली माँ के मंदिर में इससे पूर्व भी कई लोग अपनी जीभ काट चुके हैं। बताया जा रहा है कि लोगों में ये विश्वास है कि यदि कोई अपना खून देवी माँ को समर्पित करेगा तो देवी माँ उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। बिना पढ़े लिखे लोगों में अंधविश्वास अधिक पाया जाता है, पर यहाँ तो शिक्षित लोग भी अंधविश्वास से दूर नहीं रह पाते। लेकिन आज जिस युवक ने गर्दन काटी है वह एमए फाइनल ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है और उसके द्वारा ऐसा करना कई लोगों को अचंभित भी कर रहा है। कैसे काटी थी और कहाँ काटी? काली मंदिर में। क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा। क्यों काटी थी, क्या बजे थी? अजय कुछ नहीं, माँ की इच्छा थी। कहाँ रहने वाले हैं आप? बेटा लखनऊ में। अभी एक संदीप वर्मा जनाब सेवाराम वर्मा नाम का एक व्यक्ति आया है, 25 साल उम्र है इसकी, चांदबेटा में रहता है। इसने अपने गर्दन पे 3 जगह अपने किसी धारदार हथियार से उसने मारा है। 3 जगह उसके निशान में और उसकी कंडीशन सीरियस है। उसको लखनऊ के लिए किस जगह से लाया गया है सर, इसकी जानकारी? सर, एक युवक ने अपनी गर्दन जो है माता रानी के मंदिर में चढ़ाई, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की? थाना कोतवाली जात क्षेत्र में काली जी का मंदिर है, वहाँ पर एक युवक पहुँचा, सूचना मिली है, उसने अपने गर्दन पर जो है उसको काटने की कोशिश की, घायल अवस्था में हॉस्पिटल भर्ती है। उसकी प्रकोप की पूरी जाँच कराई जा रही है, आवश्यक गतिविधि कार्रवाई कर।